Respected parents, dear teachers and my dear students, आज मैं रहमान सर आपको पुनः एक थोड़ी तैयारी करा रहा हूं। 22 मार्च वेनसडे को जो आप 12वीं अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, सबसे पहली बात कि आपके पेपर में कुल मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, शायद आपको जानकारी होगी। मैं बता दूं कि आपके पेपर में कुल मिला के 17 क्वेश्चन आएंगे, देयर विल बी 17 क्वेश्चन इन योर पेपर। अब जो 17वां प्रश्न होगा बेटा, वो 17वां प्रश्न सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर विल बी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये प्रश्न आपकी किताब विस्तार में से आएंगे और MCQ में लास्ट 17 क्वेश्चन पे देयर विल बी 6 क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स, 6 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। तो आज मैं आपको विस्तार किताब का जो सबसे आखिरी लेसन है बेटो, दैट इज मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, इसके कुछ टिप्स दे रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है इनमें से एक नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। आप केवल इस वीडियो को सुनिए और निश्चित रूप से आपको एक नंबर मिलेगा आपकी 12वीं परीक्षा में। कैसे, देखिए, सबसे पहले मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो पाठ है वो दो लड़कियों की कहानी है। एक लड़की का नाम है जीत कालासा और दूसरी लड़की का नाम है बामा। जीत कालासा और बामा दो लड़कियों की कहानी है। दूसरी बात, ये जो कहानी है, दिस लेसन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड। ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड यानी ये आत्मकथा है उन दोनों लड़कियों की। दोनों लड़कियों में क्या समानता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो चीज देखी है, दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति के आधार पर उन्होंने भेदभाव को झेला है और यही कहानियां हमारे इस पाठ में है। देखिए, पहली कहानी का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। पहली कहानी का नाम है ये कहानी, एक छोटी बच्ची जिसका नाम जीत कालासा है, दैट इज अ नेटिव अमेरिकन गर्ल। नेटिव अमेरिकन गर्ल यानी आप्रवासी अमेरिकन गर्ल, उसकी कहानी है वो। द नेम ऑफ अवर स्कूल वॉज कार्लिसा इंडियन स्कूल। वह जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल का नाम है कार्लिसल इंडियन स्कूल। उसने अपने जीवन में क्या फेस किया, शी वॉज ए विक्टिम। विक्टिम यानी पीड़ित, शी वॉज ए विक्टिम, वह पीड़ित है किससे, ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जातिगत आधार पर उसे पीड़ा झेलनी पड़ रही है। कैसे, गोरे और कालों के बीच में जो अंतर था, गोरे लोग काले लोगों को अपमानित करते थे, वही चीज अपने जीवन में उसने सही है और वही कहानी यहां वो लिख रही है। जीत कालासा हैड हर बैड एक्सपीरियंस। उसका बुरा अनुभव कब हुआ, स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ, शी वॉज बींग टाइड टू अ चेयर। उसको एक चेयर पे, एक कुर्सी पर बांध दिया गया। शी ट्राइड टू हाइड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, छिपने की कोशिश की। एंड शी डिडंट वांट, उसका स्कूल क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि जीत कालासा के बड़े बालों को काट दिया जाए, और जीत कालासा ये नहीं चाहती थी, डिडंट वांट टू हर हेयर कट, वो ये नहीं चाहती थी कि उसके बड़े बाल काट दिए जाए, क्योंकि इन हर ट्राइब, उसकी जाति में, उसके यहां, उसकी परंपरा में शॉर्ट हेयर, जो छोटे बाल थे, वाज ए सिंबल ऑफ मॉर्नर्स और वार लूजर्स। जो छोटे बाल थे वो ऐसे लोगों के प्रतीक थे जो किसी प्रकार का शोक मना रहे हैं, यानी उनके परिवार में कोई मृत्यु हो गई है, या वार लूजर्स यानी कि जो लोग युद्ध में हार गए हैं उनका प्रतीक है, इसलिए वो अपने बाल नहीं कटाना चाहती थी। लेकिन कुल मिलाकर उसके स्कूल वालों ने जबरदस्ती पकड़कर उसके बाल काट दिए। ये कहानी है हमारी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जीत कालासा की। इसी बात में दूसरी कहानी है, उसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग। कहानी नंबर दो, वी टू आर ह्यूमन बींग, इट इज ए स्टोरी अ लिटिल साउथ इंडियन गर्ल। ये एक छोटी साउथ इंडियन लड़की की कहानी है जिसका नाम बामा है ना। शी वॉज इन थर्ड क्लास, वो तीसरी क्लास में पढ़ती है। बामा हैड एक्सपीरियंस्ड ह्यूमिलेशन, उसने अपने जीवन में अपमान झेला है, हैड ह्यूमिलेशन ड्यू टू अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत,
अनटचेबली यानी छुआछूत, छुआछूत के आधार पर उसने अपने जीवन में अपमान झेला। द इंसिडेंट ऑफ एन ओल्ड मैन, उसने देखा कि एक बार एक बूढ़ा आदमी है और वो अपने हाथ में कुछ सामग्री लेकर जा रहा है। ऐसा फोटो आपके अपने पाठ में भी है, सामग्री लेकर जा रहा है, उसके अंदर कुछ सामग्री है और उसने उस थैले को एक धागे से पकड़ रखा है। यह देखकर बामा हेड एक्सप्रेस इमिलेशन मेड हर लाफ, ये देखकर बामा क्या हुआ, हंसने लगी कि बूढ़ा आदमी स्ट्रिंग से पकड़कर उसका ले जा रहा है और शी वॉज केयरिंग वडा, वो वड़े लेकर जा रहा है और ग्रीन बनाना भाजी, ग्रीन बनाना भाजी वड़ा या ग्रीन बनाना भाजी वो लेकर जा रहा है और उसने उस पैकेट को स्ट्रिंग यानी धागों की सहायता से पकड़ रखा है। जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बूढ़े ने कहा कि उसके हाथ उस खाने को टच नहीं होना चाहिए अन्यथा जो उसका मालिक है उसे मारेगा, है ना। तो अब ये स्थिति जब उसने देखी तो बामा हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन हर, बामा के ऊपर ग्रेट इंपैक्ट पड़ा, किसका, उसके भाई अन्ना का, अन्ना है हु वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हाँ, जब बामा ने उससे पूछा कि हम इस अनटचेबिलिटी को, इस छुआछूत को कैसे मिटा सकते हैं, तो उसने कहा, he told her to work hard and do good study, उसने कहा कि तुम अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी पढ़ाई करके तुम बड़े ओहदे पर जाओ, तब ये छुआछूत तुम्हारे को छूटेगी, तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है पाठ नंबर 8 द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड विस्तार लेसन से। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 6 प्रश्न आएंगे और ये सारी चीजें आप याद रखिए। मेरी वीडियो को सिर्फ देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस जानकारी से एक नंबर जरूर मिलेगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।